एक फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होता है पर रास्ते में टाइम ट्रेवल करके वॉर के बीच में जाके फंस जाता है। फिर वो वहां से वापस आ पाता है या नहीं, फ्लाइट वर्ल्ड वॉर 2 मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। इस मूवी के शुरू में एक पैसेंजर फ्लाइट IA-42 को दिखाया जाता है जो कि डेलस से लंदन जा रही है। प्लेन के पायलट कैप्टन स्ट्रॉन्ग ब्रीफ करता है कि वेदर कंडीशन एकदम ठीक ठाक है और 7 घंटे के अंदर प्लेन डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इस प्लेन की को पायलट है डैनियल प्रेंटिस जो कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग के साथ इससे पहले बहुत सारे प्लेन उड़ा चुका है। कुछ देर बाद अचानक प्लेन में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं तो मिस्टर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम कॉल करते हैं और वहां से उन्हें बताया जाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्लेन में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है और ये भी बताया जाता है कि आगे आसमान साफ है। परंतु इसके कुछ देर बाद ही उन लोगों के सामने एक बड़ा बवंडर चला आता है। मिस्टर स्ट्रॉन्ग फिर से कंट्रोल रूम कॉल करते हैं और वहां से बताया जाता है कि उन लोगों को भी पता नहीं है कि अचानक से ये बवंडर कैसे आ गया। इसके बाद फ्लाइट के कैप्टन मिस्टर स्ट्रॉन्ग सभी पैसेंजर्स को अपनी सीट में बैठे रहने के लिए कहते हैं और उसके बाद कैप्टन उस बवंडर के बीच से ही फ्लाइट को फ्लाई करवाने लगता है। टर्बुलेंस के कारण पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो फ्लाइट बवंडर पार करके साफ आसमान में चला आता है, परंतु पायलट्स डर जाते हैं क्योंकि कुछ ही मिनटों में वो लोग दिन के उजाले से अंधेरे में आ चुके थे और रडार के अलावा फ्लाइट के सारे संपर्क टूट चुके थे। फिर पायलट्स को लगता है कि शायद बवंडर के बीच से गुजरने की वजह से कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, परंतु फ्लाइट के रडार के अंदर दूसरा कोई भी फ्लाइट बहुत समय से उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। तो कैप्टन फ्लाइट को थोड़ा लो ऑल्टीट्यूड में ले जाता है और रडार के अंदर उन लोगों को एक दूसरी फ्लाइट के सिग्नल दिखाई देता है। डैनियल बताता है कि ये नॉर्मल प्लेन नहीं है और उसके बाद उन लोगों को बहुत सारे फाइटर प्लेन एक शहर के ऊपर बॉम्ब फेंकते हुए दिखाई देते हैं। तो सभी समझ जाते हैं कि वो लोग कोई वॉर के बीच में पहुंच चुके हैं। पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट उन लोगों को तसल्ली देती है ये बताते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ फाइटर जेट्स इस पैसेंजर प्लेन को घेर लेते हैं। मिस्टर स्ट्रॉन्ग प्लेन को फिर से हाई ऑल्टीट्यूड में ले जाते हैं और तभी के लिए खतरा टल जाता है। मिस्टर स्ट्रॉन्ग फिर से कंट्रोल रूम कॉल करने की कोशिश करता है परंतु कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो फिर से वो लोग प्लेन को थोड़ा लो ऑल्टीट्यूड में लेके उड़ाने लगते हैं और कैप्टन अपने को पायलट को बताता है कि उन लोगों को अभी लैंड करने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल ज्यादा बचा नहीं है। इसके बाद उस प्लेन के अंदर टेल और बैनेट नाम के 2 हिस्टोरियंस को दिखाया जाता है जो कि प्लेन के कैप्टन को बताता है कि अभी वो लोग बाहर जो फाइटर जेट्स को देखा है वो नाजीज के है और ये फाइटर जेट्स 1945 के बाद बनना बंद हो गया है। कैप्टन ये सुन के कैमरॉन नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को उस आदमी को कॉकपिट से बाहर ले जाने के लिए कहता है, परंतु बैनेट कंटिन्यूअसली कहता जाता है कि वो लोग शायद किसी तरह से टाइम ट्रेवल कर गए हैं 1940 के वर्ल्ड वॉर 2 के बीच। उसके बाद कैप्टन फिर से कंट्रोल रूम कनेक्ट करने की कोशिश करता है और नाइजल नाम की एक ब्रिटिश लड़के से रेडियो सिग्नल पर कनेक्ट हो जाता है। नाइजल कैप्टन से परिचय मांगता है, कैप्टन फ्लाइट के डिटेल देके बताता है कि उन्हें मदद चाहिए, परंतु नाइजल को उन लोगों के ऊपर शक होता है क्योंकि नाइजल श्योर था कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड से रेडियो सिग्नल पकड़ पाना नामुमकिन है। असल में 1940 में ब्रिटिशर्स के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था कि इतनी दूर से रेडियो सिग्नल पकड़ पाए। तभी कैप्टन के पूछने पर नाइजल बताता है कि आज का डेट 17 जून 1940 का है। तो कैप्टन समझ जाता है कि वो दोनों हिस्टोरियंस सच बोल रहे थे। कैप्टन हिस्टोरियंस को बुलाता है और नाइजल से बात करने के लिए कहता है। वो दो हिस्टोरियंस नाइजल को बताते हैं कि वो लोग अभी वहां पर है जहां पर लैंकास्ट्रिया जहाज डूब गई थी। ये सुन के नाइजल थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता है क्योंकि नाइजल के टाइम पर लैंकास्ट्रिया अभी भी एक्टिव है।
तो फिर नाइजल इसे कंफर्म करने के लिए अपनी सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है और इस तरफ एक पैसेंजर कॉकपिट के बाहर से सब कुछ सुन लेता है और प्लेन के सभी पैसेंजर्स को बताता है कि ये प्लेन किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे पहुंच गया है और अभी हिटलर अटक कर रहा है, तो प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को मिलके हिटलर को रोकना होगा। परंतु ज्यादातर पैसेंजर्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और हंस पड़ते हैं, हालांकि कुछ पैसेंजर्स उसे ज्वाइन करने में राजी हो जाते हैं। तो ये नया ग्रुप डिसाइड करता है कि वो लोग कॉकपिट को हाईजैक करके क्रैश लैंडिंग करेगा। तभी तो यूएस सोल्जर उन लोगों को रोक लेता है। फिर उन लोगों के बीच में एक लड़ाई छिड़ जाता है जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और अंत में वो ग्रुप हार जाते हैं, तो उन लोगों को सीट के साथ बांध के रखा जाता है। इसके बाद नाइजल फिर से कॉल करता है और बताता है कि प्लेन के लोग सही थे, क्योंकि लैंकास्ट्रिया तब ही डूब रहा था और उन लोगों की इन्फॉर्मेशन की मदद से बहुत लोगों को रेस्क्यू कर पाए हैं। और इसके बाद कुछ जर्मन फाइटर जेट्स फिर से उन लोगों को घेर लेते हैं और गोली बरसने लगते हैं। तभी कैप्टन प्लान बनाता है और प्लेन को शार्प एंगल में नीचे की तरफ ले जाते हैं और जब ग्राउंड को हिट करने ही वाले होते हैं तभी ऊपर उठा लेते हैं। जर्मन फाइटर जेट्स भी उनके पीछे आ रहे थे, परंतु उन लोगों के फाइटर जेट में उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो जेट्स जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। जर्मन्स के अटैक के दौरान को पायलट डैनियल को गोली लग जाता है और प्लेन में बहुत सारा छेद भी हो जाता है। कैमरन किसी तरह से उस छेद को कवर करने की कोशिश करती है और डैनियल को फास्ट एड देती है। कैप्टन फिर एक फ्लाइट अटेंडेंट को स्टीयरिंग संभालने के लिए देता है और वो जाके पैसेंजर्स को करंट सिचुएशन के बारे में समझाता है और कहता है कि लास्ट अटक की वजह से लैंडिंग गियर अटक गया है, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। पैसेंजर्स में से टेरेसा और हेक्टर हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर तीनों प्लेन के पीछे की तरफ जाते हैं और टेरेसा जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है क्योंकि वो एक इंजीनियर थी। परंतु इसके बाद वो लोग देखते हैं कि लैंडिंग गियर में कुछ अटका हुआ है जिसे नीचे जाके ठीक करना पड़ेगा। तो हेक्टर एक हथौड़ा लेके नीचे जाता है और उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। इसके बाद कैप्टन कॉकपिट जाता है और लो ऑल्टीट्यूड में प्लेन को ले जाते हैं ताकि नाइजल से फिर से संपर्क कर सके। थोड़ा नीचे आके नाइजल से कॉन्टेक्ट करके वो कहता है कि प्लेन में 80 मिनट के फ्यूल बचा है। तभी फिर से जर्मन्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बार वो लोग मिसाइल से अटैक करते हैं, तो प्लेन के सारे खिड़की टूट जाते हैं। कैप्टन फिर से दिमाग लगाता है और रैडर की मदद से जर्मन फ्लाइट्स को एक दूसरे से क्रश करवा देता है। उसके बाद डैनियल बताता है कि अगर वो लोग नीचे फ्लाइट को ले जाए तो जर्मन्स उन लोगों पे अटैक कर देगा और अगर ना ले जाए तो नाइजल उन लोगों को लैंडिंग के लिए कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तभी बेनेट सजेस्ट करता है रैडर को प्लेन से नीचे फेंकने के लिए ताकि उसे यूज करके नाइजल उन लोगों को रास्ता बता सके। फिर वो लोग नाइजल से कॉन्टेक्ट करते हैं और प्लान बताते हैं। इसके बाद एक पैसेंजर उन लोगों को एक खिलौना पैराशूट देता है और उसी से रैडर को नीचे फेंका जाता है और नाइजल को इन्फॉर्म भी किया जाता है, परंतु वो रैडर जर्मन के हाथ लग जाता है। तभी वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स आते हैं और जर्मन सोल्जर्स को मार के रैडर लेकर नाइजल के पास जाते हैं। प्लेन से कैप्टन नाइजल को बताता है कि जल्दी से कोई लैंडिंग के लिए सेफ जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि प्लेन में ज्यादा फ्यूल बचा नहीं है। तभी उस रैडर में कुछ दिखाई देता है, परंतु वो कोई फ्लाइट का सिग्नल नहीं था। और कैप्टन देखता है कि उन लोगों के सामने एक बवंडर अचानक से आ पहुंचा है, ठीक पहले जैसा जिसे वो लोग टाइम ट्रेवल कर गए थे। फ्यूल ज्यादा ना होने के कारण कैप्टन डिसाइड करता है कि वो इस बवंडर के बीच से ही फ्लाइट को उड़ाएगा। कैप्टन नाइजल को शुक्रिया करते हैं उसे हेल्प करने के लिए और अलविदा कह देते हैं और पैसेंजर्स को कहते हैं कि प्लेन फिर से एक बवंडर के बीच से गुजरने वाले है और अगर लक अच्छा रहा तो कुछ देर बाद जिंदा मिलेंगे एक दूसरे से। और लकीली जब वो बवंडर से निकलते हैं तो फिर से प्रेजेंट टाइम में बर्लिन चला आता है। ग्राउंड कंट्रोल से उन लोगों को कांटेक्ट करके बताया जाता है कि प्लेन लैंड करने के लिए पूरा रनवे खाली कर दिया गया है।
फाइनली 6 घंटे के बाद फ्लाइट IA-42 लैंड करता है। फिर पैसेंजर्स एक एक करके उतरने लगते हैं और कैप्टन कॉकपिट से बाहर आके देखता है एक बूढ़ा आदमी प्लेन के एक कोने में अकेले बैठा है। कैप्टन पास जाके देखता है, वो एक बुक लिख रहा है जिसका नाम है द रैडर सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप। और इसी लास्ट सीन से ये भी पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि नाइजल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।